सो इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग एंड वी आर इन श्रीनगर राइट नाउ, होटल सिटी ग्रेस में हम लोग ने स्टे किया था और आज भी यहीं पे हमारा है, बट हम लोग अभी जा रहे हैं गुलमर्ग। तो बाइक सब सेट है और हम लोग 3-4 लोग का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, रुके हम लोग हमारे फ्रेंड्स लोगों के लिए और 4 लोगों का ब्रेकफास्ट चल रहा है, वो हो गया तो हम लोग निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है बिकॉज अभी टाइमिंग है यहाँ से श्रीनगर सिटी में एंटर करने का और एग्जिट करने का 11 बजे के अंदर ही आपको यहाँ से एग्जिट करना है और एंटर भी करना है। सो सीन ऐसा है, बट अभी हम लोग ट्राई करें जितना हो सकता है जल्दी यहाँ से भी निकले। ब्रेकफास्ट तो हमारा सबका हो चुका है, गुलमर्ग में हमारा रियाज भाई इंतजार कर रहे हैं, गंडोला के टिकट्स हमने ऑनलाइन बुक किए। और अगर आप भी सोच रहे हो गुलमर्ग आने का और आपको गंडोला करना है तो आपको भी ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा, और या तो फिर अगर मैं रियाज भाई का नंबर आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना उनको तो उनको कॉन्टैक्ट करके आप टिकट्स आपकी ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। सो 2 दिन हमने ब्लॉग नहीं किया था बिकॉज हम लोग बहुत बुरा फंस गए थे पहलगाम में भी, काजीकुंड में भी, और फिर जब हम लोग पहलगाम से निकले थे तो वहाँ पर भी हमें रोक दिया गया था। तो मतलब ऐसा हो गया था कि रात रात की नींद हमें मिल नहीं रही थी, बॉडी बहुत टायर्ड थी, और हम लोग यहाँ पे जब आए तो हम लोग सीधा सो गए। 2 दिन हमने ब्लॉग किया ही नहीं बिल्कुल भी। आज हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं बिकॉज आज हमें अच्छी वाली नींद मिली है, एकदम फ्रेश है, और अभी हम लोग चल रहे हैं गुलमर्ग। अब तक मुझे भाई ने और अली ने स्नो नहीं देखा उनकी लाइफ में, तो आज फर्स्ट टाइम तुम्हारा भाई लगे शिमला नहीं गए, मुझे भाई ने स्नो देखा है, ये हजरत ने स्नो नहीं देखा। फ्रिज का स्नो बोलता है साला, फ्रिज का स्नो बोलता है साला, फ्रिज का स्नो स्नो होता है, आइस होता है, वो स्नो दिखाई दे मुझे। सो इट्स 9:35 AM नाउ एंड वी आर ऑफ फॉर गुलमर्ग। थोड़ा लेट हो गया यार, सब रेडी होते होते किसी को पॉटी आ जाती है अचानक में, किसी का क्या क्या बोलेंगे रे भाई। सो गुलमर्ग फ्रॉम हियर इज अनदर 50 किलोमीटर्स विच गोना टेक अस 1 hour 36 minutes अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। अब हो सकता है उससे पहले पहुँचे, हो सकता है उससे लेट भी हो, यू डोंट हैव एनी आइडिया। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होती है बॉस, और संडे का दिन है। सो वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड गुलमर्ग का जो रीजन है वो, और अभी भी मेन जो गुलमर्ग जो सेंटर है दैट इज 15 किलोमीटर्स, और अभी फिलहाल में हम जो क्रॉस कर रहे हैं दैट इज तनमर्ग, जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम हम लोग आए थे जब 2019 में। सो वी स्टेड हियर इन तनमर्ग इटसेल्फ क्योंकि आगे स्नो था पूरा रोड पर, और ऑब्वियसली बाइक को लेके जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता और मिलिट्री पंप अलाउ नहीं करती फर्स्टली फॉर सेफ्टी रीजन्स। हम लोग ने कार से हम लोग तनमर्ग से ऊपर गए थे गुलमर्ग की तरफ। सो यहाँ पर या तो फिर ऊपर गुलमर्ग में हमें रियाज भाई मिलेंगे जो कि लास्ट टाइम ही मैंने बताया था, वो हमको यहाँ से लेके जाएंगे गुलमर्ग गंडोला में। यहाँ से थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, थोड़ा हल्का ठंडा महसूस होने लगेगा। हम लोग ने श्रीनगर में चेक किया था टेम्परेचर तो गुलमर्ग का दिखा रहा था 16 डिग्री सेल्सियस राइट ना, अब देखते हैं उतना ही होगा या कितना होगा। क्या साइड में लगा, ये इंसान का रहता है कि किसका रहता है? बाइक का है। तो हम लोग की टोटल कितनी बाइक है? 4 बाइक है ना अपनी? चार है। तो कितना हो जाएगा? 80 40 हो गया। 80 सर चलेगा साथ में। क्या क्या? 300 रुपीज है फुल डे का, वापस आके वो यहाँ पे करना है सर। नहीं नहीं हमारा बात हो चुका ऑलरेडी है हमारा ऊपर, आपका केबल कार का राइड है ना? हाँ है ना, तभी तो बोल रहे हैं ना सर। नहीं हम बंदा है हमारा वहाँ पे, अगर बंदा है तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ रियाज भाई, रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सलाम, कैसे हो भाई? बिल्कुल दुआ आपकी। थोड़ा लुक चेंज। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी भाई मेरे? अरे हम लोग ये थोड़ा ना गेस्ट है क्या तुम्हारे? रियाज भाई ने प्रेजेंट दी। आई लव यू माय कैशनरी एप्पल।
So here we are in Gulmarg, the beautiful Gulmarg. यहाँ पे स्नो था पूरा. नाउ इट्स कम्प्लीटली ग्रीन ग्रास. पूरा स्नो कवर्ड था यार एक टाइम पे जब हम लोग आए थे. आगे स्ट्रॉबेरी वैली भी आता है जहाँ पे स्ट्रॉबेरी उगता है. अभी तो नहीं होगा बट उगता है. बीचों बीच एकदम एक मंदिर है. यहाँ पे पूरा स्नो रहता है और स्की सिखाते हैं. यहाँ पे ट्रेनिंग होती है स्की की. यहाँ पर बहुत गंदा जाम है यार. कश्मीर से मेरा एक अलग ही टाइप का अटैचमेंट है. मतलब दिस इज़ द फिफ्थ टाइम आई एम कमिंग टू कश्मीर आफ्टर मैरिज. ऑब्वियसली शादी से पहले कभी नहीं आया. आई केम फर्स्ट फ्रॉम माय हनीमून. उसके बाद में फिर और बार आता गया. दो बार तो अभी बाइक से हो गया. जब भी आओ ऐसा लगता नहीं कि मन भर गया हो. ऐसा लगता है बार बार आते रहो. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. Riyaz bike is sighting Zindabad. Riyaz bike is sighting Zindabad. Good job. Cha. Ya Allah. Aga. यार भी आज गंडुला में लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे यहाँ पर गुलमर्ग में तो पूरा ये पूरा स्नो में था कवर्ड. अभी स्नो बिल्कुल भी नहीं है. ऊपर में फेज टू पे बोल रहे थोड़ा बहुत है बट वो गंदा एकदम मिट्टी वाला स्नो है तो कुछ मतलब नहीं ऊपर. और अभी सेकंड फेज का जो है वो टिकट अवेलेबल नहीं है बिकॉज संडे का दिन है आज और ऑनलाइन बुक करना पड़ता. हम लोगों ने नहीं किया था. हम लोगों ने आज अभी के अभी हम लोगों ने बुकिंग करके हम लोग अभी यहाँ पे. इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार. सो ब्यूटीफुल. So wonderful. घोड़े को मालूम है उसको कैसे जाने का. तू टेंशन क्यों लेता है. एक मोटो व्लॉग कर रहा हूँ मैं हॉर्स पे. थोड़ा ऑफ रोडिंग चल रहा है एक्सट्रीम लेवल का. ये घोड़े का ट्राई किया वो लेके जाएगा. तू टेंशन मत ले. चलते रहे तू बिंदास. सो फार द ट्रैक हैज बीन वेरी entertaining because of Murari. Yeah. Murari ka horse aur Murari
मुरारी को हॉर्स जो मिला है वो शाकिब भाई का कलर का मिला है। और ये पीछे उमेश भाई और विवेक भाई दोनों आ रहे हैं। एक हॉर्स जो था वो लीडर था बट वो साला जाता नहीं किधर भी। और ये मुरारी, ए मुरारी चल रहा है आगे, मेरा तू रिदम तोड़ रहा है। देयर वाज माय हॉर्स मुरारी, अभी भी उतर ही रहा है। कैसा उतरा है बे? चप्पल किधर गई? मैं ले दूँ यार, कोई दिक्कत नहीं। बहुत मजा आया हॉर्स राइड में, बहुत मजा आया। फेज टू जो है वो और ऊपर तक जाता था बट टिकट्स अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से हम लोग यहाँ तक आए। यहाँ पे पीछे इधर पे पीछे एक नाला जैसे, वहाँ पर थोड़ा सा स्नो है पर उसके थोड़ा चलना पड़ेगा और अभी अपने अंदर ताकत नहीं है। बहुत बैक में बहुत पेन हो रहा है हॉर्स राइड में, बट मस्त है यार, बहुत मजा है, 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 बहुत मजा, बहुत मजा, बहुत मजा, बहुत मजा है, बहुत मजा है, बहुत मजा है, बहुत मजा। पूरा वहां से ट्रैक करके हम लोग वल्दबे ऊपर तक आए हुए। ये रहा यहाँ पे स्नो, बस इतना ही स्नो पड़ा है यहाँ पर, अब क्या करें, वो भी पूरा ब्राउन हो गया सारा। ऊपर से वाटरफॉल गिर रहा है विच इज लुकिंग ब्यूटीफुल। थोड़ी पीठ की बैंड बजी हुई है हॉर्स राइड करते करते। मुरारी यार तेरा हॉर्स बहुत गंदा था रे, चलता भी नहीं साला, टाइम पास करता अलग। अरे वो बहुत लेजी है, लेजी है, इसके ऐसे ये फाट करते करते चल रहा है ऊपर। सो हो गया हमारा हॉर्स का राइड और जो छोटा ट्रैक था वो भी हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे फेज वन की तरफ, फिर वहां से गंडोला लेके जाएंगे। सो द राइड स्टार्ट्स नाउ। मुरारी मेरे पीछे, मुरारी है, उमेश भी है, अली किधर है? अली और बहुत पीछे। चलो See you down there on the first face. Just look at the view. और ये अपना घोड़ा। चप्पा पैर निकाल, चप्पा अभी पैर उठा, पैर उठाना चप्पा। चप्पा व्हाट यू डूइंग? चप्पा पैर उठाना। चप्पा उतर गया, चप्पा उतर गया, ये चप्पा, ये वी डिड इट विदाउट अ फॉल। सो वी आर फाइनली डाउन। अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग घोड़े पे बैठे यार, मजा आया। पर स्नो थोड़ा सा ही था जैसा देखा आपने वीडियो में, बहुत मजा आया पर हॉर्स राइड करके। क्या बोलते रियाज भाई अभी अगले? इंशाल्लाह आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको मेरा यही ख्वाहिश है कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आओ, ज़्यादा बर्फ़ भी है और ज़्यादा एंजॉय भी और ख़र्चा भी कम है। हाँ तो आपको रियाज भाई का मैं नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इस साइड आते हो कश्मीर साइड, आप रियाज भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो टूर बुक करने के लिए और कश्मीर आपको घुमाने के लिए, है कि नहीं रियाज भाई? थैंक यू सर। और ये अपने भाई को क्या हो गया? ओए सो रहे क्या? सो अभी यहाँ का कार्यक्रम समाप्त, अब हम जा रहे हैं नीचे। अभी तक लंच किया नहीं है, नीचे जाके लंच करेंगे, बाइक्स नीचे। और 4 बजे का टाइम है, यहाँ से 4 बजे के पहले बाहर निकलना है, यहाँ से गंडोला से नहीं, गुलमर्ग का जो एंट्री है वहाँ से, CRPF वालों ने बोला है पहले। सो 4 बजे से पहले नीचे भी पहुँचना है। अभी हो रहा है 3:18, दिख रहे नहीं? नहीं नहीं दिख रहा, 3:18। लंच के लिए हम लोग आए हुए हैं, टाइम हो रहा है 5:10 PM और कश्मीरी चिकन बटर नान और ये भी कोई एक चिकन है पता नहीं और यहाँ पे भी नान। और हम लोग बेसिकली वही होटल में स्टे किए हैं जहाँ पर हमने लास्ट टाइम स्टे किया था, यहाँ पर हम वहीं पे खाना खाने के लिए रुके। तो स्टॉप फॉर अ फ्यू ब्रेक, पेट्रोल था 3 घंटे पर कैमरा लगा हुआ है। हाँ कैमरा लगा हुआ है, जहाँ जहाँ जाते हैं सब रिकॉर्ड होता है इसमें। हाँ तो पेट्रोल का प्राइस यहाँ पर 101.36 है।
हम लोग तीन गाड़ी था, फिर भी मैं भरा रहा हूँ क्योंकि कल हमें सोनमर्ग के लिए निकलना अर्ली मॉर्निंग, और हम नहीं चाहते रास्ते में सुबह सुबह जब हम लोग निकले तो पेट्रोल पंप सब बंद मिले लास्ट टाइम तरह।